नमस्कार दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर में ग्रुप सी लेवल की नई भर्ती जारी हो गई है। जितने भी कैंडिडेट मुझे देख रहे हैं ना, शिक्षा मंत्रालय में MTS हो गया और ग्रुप सी लेवल की बहुत सारी जो पोस्ट होती है उसमें ज्वाइनिंग लेने का, एक पोस्ट लेने का आप सभी के पास एक सुनहरा मौका निकल करके आ गई है। एक सिंगल एग्जाम है, उसी के आधार पे इस वैकेंसी में सिलेक्शन है। आज मैं इस शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी आई है उसका A to Z कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आप फॉर्म कैसे फिल करेंगे ये भी बताने वाला हूँ। बस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब देखिए, शिक्षा मंत्रालय जैसे जगह में नौकरी मिल रहा है तो क्या चाहिए उससे अच्छा, ठीक है? तो NITTTR के अधीन। तो देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ना, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार MTS भर्ती साफ साफ लिख दिया हूं NITTTR के अंतर्गत, और ये सारा का सारा वैकेंसी ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है। यानी कि ग्रुप सी के अंतर्गत बहुत सारी जो पोस्ट आती है वो सारा का सारा इसके अंतर्गत है। साथ ही साथ आप लोगों को MTS की वैकेंसी भी देखने को मिलने वाली है। सबसे पहली बात करते हैं इसका अप्लाई डेट का। तो फॉर्म अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और इसका लास्ट डेट की बात करें तो 15 अक्टूबर 2024 इस वैकेंसी का लास्ट डेट है। रही बात इसमें एज क्राइटेरिया की, तो देखिए एज क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे कैंडिडेट इसके वजह से फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे इसी की वजह से मतलब हट जाते हैं, तो इससे कॉम्पिटिशन भी निर्धारित होती है। तो आप लोगों को बता दूं, मिनिमम 18 साल रखी गई है, मैक्सिमम की अगर हम बात करते हैं तो 35 साल एज में रखी गई है। रही बात SC ST, तो उस पर गवर्नमेंट के नियम के अनुसार 5 साल छूट, OBC हो तो एज में 3 साल की छूट आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ फॉर्म का अगर हम फीस के बारे में बात करते हैं तो इस वैकेंसी में अगर आप SC ST PH कैंडिडेट या फिर एक सर्विसमैन कोटा कैंडिडेट है तो आपको फॉर्म का जो फीस है ना वो भरने की जरूरत नहीं है। यानी कि फॉर्म फीस 00 रुपए रखी गई है। लेकिन अगर आप जनरल कैंडिडेट है, OBC या EWS कैंडिडेट है, तो आपके लिए 300 रुपया फॉर्म फीस रखी गई है इस वैकेंसी में, ठीक है? अब देखिए, ऑल इंडिया के इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आप सभी का सोच होगा कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी आपका 10वीं पास लेवल पे निकली है, 12वीं पास लेवल पे निकली है, साथ ही साथ स्नातक लेवल के आधार पे भी निकली है। आप लोगों को बता दूं, 10वीं का पोस्ट है, 12वीं का पोस्ट है, स्नातक का ही पोस्ट है। आप अलग अलग आवेदन कर सकते हैं अगर आप इसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो एक चीज और मैं बता दूं, इस वैकेंसी में अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो सिंगल एग्जाम है, ठीक है, सिंगल रिटर्न एग्जाम है, कोई मेंस वगैरह कहानी नहीं, इंटरव्यू वगैरह कहानी नहीं भैया। तो आपके पास सुनहरा मौका है, जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिए। क्योंकि देखिए, बहुत सारे ऐसे वैकेंसी होती है ना जिसमें बहुत सारा चोचला होता है, ठीक है, लेकिन इसमें अभी के टाइम पे ऐसा नहीं निकल के आई है। वो भी शिक्षा विभाग के अंतर्गत अगर आपको पोस्टिंग मिल रहा है ना तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि हर एक सरकारी छुट्टी में आप लोगों का छुट्टी रहने वाली है। बाकी अदर डिपार्टमेंट, अगर आप हॉस्पिटल एरिया में चले गए या आप अदर डिपार्टमेंट में चले गए, तो ज्यादातर डिपार्टमेंट में क्या होता है, जो सरकारी छुट्टी रहता है उस दिन भी काम करना पड़ता है। तो ये बात आप सभी को पता होना चाहिए, तो ऐसे मौका को कभी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इसका आप लोगों को सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो क्या है, ये सभी के मन में सवाल हो रही होगी। लेकिन उससे पहले कौन कौन सा पोस्ट आई है ये चलिए मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं कि ये वैकेंसी आई हुई है, ये पोस्ट है और उसका क्वालिफिकेशन ये है। ये जो नोटिफिकेशन है ना वो NITTTR की तरफ से आई हुई है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत। एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, इसमें जो पोस्ट है ना ग्रुप सी लेवल के आई हुई है, देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2024-25, ठीक है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है, सभी में सैलरी वगैरह सब कुछ बताया हुआ है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है 29,200 से लेकर के 92,300 के बीच आपको सैलरी मिलेगा। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 2 का सैलरी है, वैकेंसी है, जिसमें 29,200 से मतलब सेम लेवल 5 के आधार पर आपका सैलरी रहेगा।
टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड टू की वैकेंसी है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट स्टीवर्ड की वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसी निकाल करके आई। आप देख सकते हो सभी का स्टेप बाय स्टेप दिया है। मैं अभी जो कंप्लीट डिटेल्स बताए हैं वो एमटीएस की वैकेंसी है, जिसमें सैलरी 18,000 से लेकर के 56,900 लेवल वन पोस्ट है, और इस वैकेंसी में लेवल 1, 2, 4, 5 तक की वैकेंसी जारी हुई है। एक चीज़ मैं बता दूँ, इसमें अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो यहाँ पर ये जो नोटिस है ना, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। ये नोटिस मैं टेलीग्राम चैनल में डाल देगा। एक चीज और आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो नोटिस है आप गूगल में जाकर के NITTR करके सर्च कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने बोर्ड में बता दिया है, देख लीजिएगा। और ऑफलाइन फॉर्म है। अब आप सोच रहे होगे ऑफलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो चलिए एक बार उसका भी झलक दिखा देता हूं। लेकिन आप जैसे रिक्रूटमेंट के ऑप्शन में जाओगे ना इस वेबसाइट में NITTR का, तो आपको वो फॉर्म वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल फॉर्म है, यानी कि नोटिफिकेशन के साथ में इसका अलग अलग नोटिस जारी किया है। एक में फॉर्म दिया है, एक में सिलेबस दिया है, एक में आपका कौन कौन सा पोस्ट है सभी का। तो देखिए ये नोटिफिकेशन में आपको भरना क्या है, तो भरना आपको भैया क्या फॉर्म है, यानी किन सब पोस्ट में इसमें अप्लाई कर रहे हो। जैसे कि MTS तो मल्टीटास्किंग स्टाफ, यहाँ पे लिख दीजिएगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ में दो पोस्ट है, एक तो ड्राइवर का भी MTS के अंतर्गत पोस्ट है, तो अगर आप ड्राइवर में अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ पे ड्राइवर भर दीजिएगा। अब पोस्ट अप्लाइड फॉर यहाँ पे सर्च लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप SC ST या फिर आप एक सर्विसमैन कोटा या फिर PH कैंडिडेट नहीं है, तो भैया यहाँ पे अपना ट्रांजेक्शन डिटेल जो फॉर्म का फीस है उसका यहाँ पे भरना पड़ेगा, और यहाँ पे फोटो चिपकाना पड़ेगा, उसमें क्रॉस साइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, ये सब कुछ आपको भरना ही है। यानी कि लास्ट डेट कब है इसका, 15 अक्टूबर 2024 को लास्ट डेट है, तो उस तारीख को आपका एज क्या होगा ये भरना है, प्लेस ऑफ बर्थ भरना है, नेशनलिटी भरना है, रिलीजन हिंदू मुस्लिम जो भी है आपका रिलीजन वो भरना है, जेंडर आपको मेल है तो मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है आप भरते जाइएगा। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेट, सिंगल है तो सिंगल, मैरिड है तो मैरिड, जो भी है भर दीजिएगा। फिर आपका कैटेगरी SC ST OBC या यूअर कैटेगरी, जो भी कैंडिडेट है भरते चले जाइएगा दोस्तों। एक्सपीरियंस है तो भी लिख दीजिएगा। फिर आपका आ जाता है एड्रेस वगैरह, मोबाइल, ईमेल आईडी, जो भी है आप फटाफट भरते चले जाइएगा, बस इतना ही है। इसके साथ जो भी सर्टिफिकेट है, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, 10th का सर्टिफिकेट डाल रहे हो तो यस करिएगा, 12th का डाल रहे हो तो यस करिएगा, ग्रेजुएशन का, ITI का, जो भी सर्टिफिकेट डाल रहे हो उसके सामने में यस पे टिक कर दीजिएगा। आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी यस कर दीजिएगा। अगर PH कैंडिडेट हो तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में यस कर दीजिएगा। NOC अगर कहीं पर आप नौकरी कर रहे हैं तो NOC का भी यस कर दीजिएगा। जो भी आप डाल रहे हो इसके अंतर्गत उसको यस यस कीजिएगा, जैसे फोटो सिग्नेचर जो भी, तो यस यस आपको कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से आप आसानी से इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखिए इसमें सबसे पहली बात एक रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है, रिटर्न एग्जाम होगा। फिर कुछ पोस्ट में आपका स्किल टेस्ट होने वाली है, जैसे कि 12वीं पास वैकेंसी है, असिस्टेंट की वैकेंसी है ग्रेजुएट लेवल की, ये सभी में स्किल टेस्ट है। तो स्किल टेस्ट यानी कि कंप्यूटर आधारित टाइपिंग टेस्ट है, बस इतना ही, ठीक है। तो स्किल टेस्ट है, रिटर्न एग्जाम है, स्किल टेस्ट है, और लेकिन एक चीज मैं बता दूं, स्किल टेस्ट सभी पोस्ट में नहीं है, कुछ कुछ पोस्ट में है। और एक चीज और मैं बता देता हूं दोस्तों, स्किल टेस्ट से लेकर के आप लोगों का जवाब कि जो डॉक्यूमेंट MTS की पोस्ट है ना, उसमें कुछ भी स्किल टेस्ट वगैरह नहीं है। अगर आप 10th पास है और एग्जाम दिलाते हैं, बस उसी के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होने वाली है। तो स्किल टेस्ट है कुछ पोस्ट में, ये रिक्वायर्ड। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बना करके सबमिट करना है। तो ये तो हो गया इस भर्ती की, जो शिक्षा मंत्रालय यानी कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत निकली है सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती, उसका सिलेक्शन प्रोसेस। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं, वो आप लोगों को सिलेबस दोस्तों, ठीक है। अगर इसमें हम सिलेबस की बात करते हैं तो देखिए, मैं अभी आप लोगों को बोर्ड में MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो सिलेबस है ना वो बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, 100 क्वेश्चन है, ठीक है, 100 ही नंबर का है, 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका सिलेबस। अब इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका जनरल अवेयरनेस है 25 क्वेश्चन, रीजनिंग है 25 क्वेश्चन, मैथ्स है 25 क्वेश्चन,
और इंग्लिश है 25 क्वेश्चन, टोटल आपका हो जाता है 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। ये हो गया इसका सिलेबस। ये जो सिलेबस है ना, आप सभी को याद होगा एसएससी एमटीएस की जो पहले प्री का एग्जाम होता था उसका हूबहू सिलेबस है। अभी तो एसएससी एमटीएस का सिलेबस चेंज हो गया है, लेकिन पहले दो साल पहले जब जो एग्जाम होता था सेम टू सेम वही सिलेबस होता है। ठीक है, जितने भी आप एमटीएस के एग्जाम दे दो, कोई सा विभाग के अंतर्गत निकलाओ, किसी किसी में इंग्लिश की जगह में हिंदी का ऑप्शन रहता है, लेकिन बाकी प्राय प्राय सभी जगह में आपको इंग्लिश में एग्जाम देना रहता है। ठीक है, ये बाकी का जनरल अवेयरनेस रीजनिंग मैथ ये सभी सिलेबस सेम होती है। तो ये हो गया आप लोगों का सिलेबस, ये जो है वो एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की सिलेबस है। अब एक चीज मैं और आप लोगों को बता दे रहा हूं दोस्तों, इस वैकेंसी में अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो भैया 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और स्नातक यानी कि ग्रेजुएट लेवल की अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपके पास स्नातक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर लेकिन ये 10th का सर्टिफिकेट जरूर लगाइएगा क्योंकि ये आपका एज प्रूफ पे काम आती है, और एमटीएस में फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 10th का सर्टिफिकेट से ही काम आप लोगों को चलने वाली है। इसके बाद आप लोगों को बता दूं दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का लगेगा क्योंकि ये जो वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल लेवल का है, डोमिसाइल दे दो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हो। आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आपको आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ भी हो, ईमेल एड्रेस जरूर लगाइएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा और फोटो। ठीक है, ये सारा कुछ सर्टिफिकेट लगा करके आपको लिफाफा में भर के भेजना है। ठीक है, अब देखिए ये जो वैकेंसी है ना आप लोगों केंद्र सरकार की है, लेकिन फॉर्म फिल इसमें ऑफलाइन हो रहा है। और अगर आप अपने से इसको गूगल में सर्च करना चाहते हैं तो NITTTR बस इतना सर्च कर दीजिए, और इतना सर्च करने के बाद आप रिक्रूटमेंट के ऑप्शन में चले जाइए, वहां पे आप जाओगे तो इसका हूबहू सब कुछ निकल करके आ जाएगा। फॉर्म आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यानी कि सारा कुछ जानकारी आपको मिल जाएगा इस NITTTR की वेबसाइट में। आपको गूगल में बस NITTTR सर्च करना है, आपके सामने में सब कुछ आ जाएगा। इस प्रकार से इस वैकेंसी का मैंने A to Z कंप्लीट डिटेल्स आसान भाषा में बता दिया, जिसके अंतर्गत ASU जैसे पोस्ट निकल करके आई है, MTS जैसे पोस्ट निकल करके आई है, ग्रुप सी लेवल की अच्छी खासी पोस्ट निकल करके आई है। तो जरूर आप लोग इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना है, किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में सवाल आ रही है तो कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।